एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल कांत शर्मा पूरे उसी जोश और जुनून के साथ आपके लिए एक बार पुनः उपस्थित हूँ। और इस बार आज हम संख्या पद्धति में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग और प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग को ज्ञात करना सीखेंगे। अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था, जो हमारी ये संख्या पद्धति की पहली वीडियो थी, उसमें सबसे पहले हमने संख्या को जिक्र किया था, उसमें जिक्र किया था प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं क्या है हमारी? प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, वो सारी की सारी संख्याएं जितनी भी हम पढ़ते हैं ये जीरो को छोड़ के, वो सारी की सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? प्राकृतिक संख्याओं का योग, के लिए हमने बनाया है एल इंटू एन अपॉन टू। ठीक है जी, एल एल का मतलब हो गया लास्ट वाली टर्म, अंतिम संख्या। और एन का मतलब यहाँ पे हमारा जो है वो है नेक्स्ट टर्म, अंतिम संख्या से अगली संख्या, अंतिम संख्या से अगली संख्या। ठीक है जी, प्राकृतिक संख्याओं को अगर हमें योग ज्ञात करना, तो हम सीधा सीधा याद रखेंगे अंतिम संख्या गुना उससे अगली संख्या बटे दो, मतलब एल इंटू एन अपॉन टू। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। एक से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना है हमें, तो भाई क्या है लास्ट, मतलब अंतिम संख्या कितनी है 50 गुना एन। एल मतलब लास्ट, 50 आ गया वो तो हमारा, एन मतलब नेक्स्ट संख्या, लास्ट टर्म से अगली संख्या क्या है हमारी 51 है, अपॉन टू, दो से हम काट देंगे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1275। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की, वर्गों का अगर हमें योग ज्ञात करना, तो उसके लिए भी हमने क्या तैयार किया है, एल इंटू एन, वही हम बता पहला एल इंटू एन इंटू इन दोनों का योग, एल प्लस एन अपॉन 6। एल हमने पहले लिख दिया है, एल हमारा है अंतिम संख्या, एन क्या है नेक्स्ट संख्या, लास्ट से अगली संख्या, अंतिम से अगली संख्या हमारा एन है। ठीक है, और इंटू इन दोनों का योग बटे 6। क्या याद करेंगे हम डायरेक्ट, अंतिम संख्या गुना उससे अगली संख्या गुना इन दोनों का योग बटे 6। ठीक है, लास्ट गुना उससे अगली गुना उन दोनों का योग अपॉन 6। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने, अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम तो क्या लेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर का हमें योग निकालना। अगर योग निकालना है तो क्या लेंगे हम, योग लिया लास्ट टर्म क्या है 10 इंटू 11 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 6, दो से इसे डिवाइड कर दिया हमने, दो से इसे कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 11 इंटू 7 यह आ जाएगा 385। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का हमें योग ज्ञात करना है तो हमें डायरेक्ट क्या करना, लास्ट वाली संख्या गुना उससे अगली संख्या गुना इन दोनों का योग, 10 और 11 का योग, 10 और 11 21, हर क्वेश्चन में 10 11 नहीं आने का, जहां पे जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उन्हीं का योग करना है, 10 गुना 11 गुना 21 बटे 6, 10 गुना 11 गुना 21 अपॉन 6, और यहाँ पे इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आया था हमारा 385 आया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा घनों का योग, घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक
ठीक है, घनों का योग अगर निकालना है हमें, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के योग अगर हमारे याद हैं, ठीक है, एल इंटू एन अपॉन टू याद है, तो उसी से काम बन जाएगा हमारा, इसी का स्क्वायर करना के बाद, ठीक है, घनों का योग हो जाएगा एन इंटू एन अपॉन टू का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल लिया एक हमने इसके लिए भी, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब योग निकालना है। लास्ट टर्म है हमारी 10 इंटू 11, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 2 की पावर 2, 2 से डिवाइड करना 5, इसका मतलब 11 5 55, और 55 का वर्ग हो जाएगा तुम्हारा 3025, ये हमारा घनों का योग हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उससे पहले मैं समझता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जैसा हमारा जो पेपर कुछ टाइम बाद में, 2 महीने बाद में हमारा पेपर है, उसी हिसाब से तैयारी सभी बच्चे अच्छी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और हमारा जो कैप्सूल कोर्स चल रहा है उसका भी पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैथ्स विद कपिल के नाम का जो चैनल है हमारा, उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलता रहे, जैसे ही हम कोई नए वीडियो डालें आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ अगर हमारा प्रयास, ये जो प्रयास हमने कैशफुल कोर्स के रूप में चलाया है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 आता है, तब संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष होगा? 17 से भाग देने पर क्या शेष होगा? रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे हम कभी अलग से पढ़ेंगे, किस दिन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो इस एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और इन्हें डायरेक्ट ही हम सोल्व कर देंगे। लेकिन कभी अगर मौका लगा हमें, तो रिमाइंडर थ्योरम का पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसी में क्या है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तब संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, जो शेष है उसी को केवल 17 से भाग करना है, जो शेष पहला शेष है उसी को, जिससे लास्ट में शेष पूछ रहा है उससे भाग करना है। 17 दूनी 34, कितना बच जाएगा? 5, और आंसर भी हमारा 5 रहेगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन तभी लग सकती है, कब? जब जिससे शुरू में हमने भाग दिया था, जिस संख्या से हमने शुरू में भाग दिया था, वह संख्या जो बाद में जिससे भाग करा रहा है उससे पूरी पूरी विभाजित होती है। जैसे इस क्वेश्चन में 357 में से उसने शुरू में भाग कराया था, तो 357 अगर 17 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ 17 दूनी 34, एक बच्चा 17 एकम 17, इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 39 को डायरेक्ट हम 17 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 से भाग करा, 17 दूनी 34, कितना आ गया हमारा? 5। एक क्वेश्चन और लिया हमने इसी के जैसा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा अलग। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इन दोनों संख्या को जोड़ दो, तो हमें संख्या आ जाएगी ऐसे, ठीक है, 5 और 3 8, ठीक है। और इसका उसने कहा इस संख्या के वर्ग, वर्ग कर दो इसका, खुद 5 से अगर भाग करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4, 12 5 60, पूरा पूरा आ गया रिमाइंडर, कितना आया? 4। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो हमें संख्या पता लग रही है एक तरह से, 5 और 3 8, और 8 का वर्ग, संख्या के वर्ग को की अगर बात करें, तो 8 8 64 हो जाएगा, और यह हो जाएगा तुम्हारा, इसे 5 से भाग करने के लिए कहा है, तो 5 से अगर भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्या? जब किसी संख्या को 3 से भाग दें तो शेष 1 आता है, परंतु जब इस संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो शेष 1 आता है, तो 6 से भाग किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो इसको करने के हम 2 तरीके बताएंगे आपको। 3 से विभाजित कर रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, 2 से विभाजित कर रहे हैं तो भी 1 शेष बच रहा है, 6 से विभाजित करने की बात हमें कर रहा है। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन यही देता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 हो या 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई या तीनों की मल्टीप्लाई से ही भाग कराता है हमेशा संख्या को।
तो ऐसे केस में अगर दो क्वेश्चन दो संख्या है तो केवल ऐसे करना आपको, ऐसे इस तरह से, जो पहले वाले का भाजक है उससे बाद वाले का जो शेष है रिमाइंडर है उनकी मल्टीप्लाई करनी है, और जो आया पहले वाले के रिमाइंडर को उसमें जोड़ना है। मतलब यहाँ पर अगर इसका हमें शेष निकालना है तो डायरेक्ट लिखे हम 3 × 1 + 4 = 4। तो यहाँ पर अगर 6 से भाग करते हैं तो 4 शेष आ जाएगा। एक बार फिर देखेंगे, 3 से भाग कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, 2 से भाग कर रहे हैं तो 1 बच रहा है। अगर हम इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है और 6 से भाग करा रहा है तो हम करेंगे कि पहले वाले भाजक की मल्टीप्लाई करेंगे हम बाद वाले शेष में, तो 3 × 1 = 3, और जो पहले वाला शेष है पहले वाले रिमाइंडर है उसे जोड़ देंगे, तो 3 × 3 = 4, उसका आंसर आ जाएगा हमारा।